करनाल के इनेलो कार्यालय शाखा ग्राउंड में जिला कमेटी की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता फूल सिंह मजूरा को किसान सेल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान मिठाई बांटकर व फूल मालाएं पहनाकर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए फूल सिंह मंजूरा ने पार्टी सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला एवं प्रदेश अध्यक्ष बीडी डालिया का आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस समय पैरोल पर बाहर हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं से मिलकर सम्मेलन कर रहे हैं। पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया जा रहा है। उसी कड़ी में किसान नेता फूल सिंह रोड मंजूरा को प्रदेश किसान संघ अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी को बड़ी मजबूती मिलेगी। इस मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष यशवीर राणा, कुक्कू शहरी ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश सलूजा, पूर्व मीडिया प्रवक्ता जयपाल पुनिया सोनिया गिल, युवा जिला अध्यक्ष सुरजीत सिंह संधू के अलावा बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे जिला करनाल के चौधरी फूल सिंह मंजूरा जी को प्रदेश का अध्यक्ष किसान सेल का बनाया है। इसके लिए मैं सबसे पहले तो हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक धन्यवाद भी करता हूँ इस बात के लिए। और आज हम करनाल पार्टी कार्यालय पर इकट्ठा हुए हैं और हमारे जो नवनियुक्त प्रदेश के अध्यक्ष हैं किसान सेल के, उनको बधाई देने के लिए सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ, स्वागत भी। मैं तो सबसे पहले अपने जिला की बॉडी सारी और विशेषकर जिलाध्यक्ष जिन्होंने हमारे में से कार्यकर्ता को प्रदेश के संगठन में के लिए प्रोजेक्ट किया, अपनी जिला की बॉडी को धन्यवाद देता हूं। इन्होंने अपना हिस्सा, अपनी कई कार्यकर्ता की जिम्मेवारी जो दिलवाई है, मैं सबका यहां आभारी हूं और आभारी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का, जिनकी कार्यशैली सदा वर्कर के हित में रही है और एक मंझे हुए खिलाड़ी को, एक वर्कर को, हवादार सिपाही को एक अहम जिम्मेदारी दी है। मैं सारे प्रदेश संगठन को और जिला के संगठन को हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो मैं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर भाई फूल सिंह मंजूरा जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। समस्त वर्कर साथियों की तरफ से, महिला शाखा की तरफ से, हमारे भाई फूल सिंह जी मंजूरा पहले भी अध्यक्ष रहे हैं और बहुत ही पार्टी के जिम्मेवार और मृदुभाषी साथी हैं और इनकी रहनुमाई में आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है प्रदेश का किसान सल बड़ी मजबूती से काम करेगा और नए युवा साथियों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का हम इसमें काम करेंगे। मैं एक बार फिर पुनः पार्टी सुप्रीमो का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, भाई अभय सिंह चौटाला जी का, इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक बधाई और धन्यवाद। आज इंडियन नेशनल लोकदल ने जो किसान सेल प्रदेश अध्यक्ष का पद मेरे को दिया गया है, मैं माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी का और प्रदेश अध्यक्ष बी डी डालिया जी का और अपने प्रिय नेता अभय चौटाला जी का और समस्त वर्कर साथियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और जो मेरे को ये किसान सेल की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है, मैं इसको बखूबी से दिन रात मेहनत करके निभाऊंगा और जो भी मेरी ड्यूटी पार्टी हाईकमान जिस प्रकार से लगाएगी, मैं उसी प्रकार से कार्य करूँगा। और जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, 36 बरादरी की पार्टी है, गांव देहात की पार्टी है और 36 बरादरी के लोगों को इसमें मान सम्मान मिलता है। इसलिए मैं अपने प्रिय नेता ओम प्रकाश चौटाला जी का, अभय भाई साहब जी का और बीडी डालिया जी का पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज हमारे एक बहुत ही पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता भाई फूल सिंह को किसान सेल इनेलो का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। सबसे पहले तो मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं करनाल की ओर से, करनाल के सभी वर्करों की ओर से और पार्टी हाईकमान श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का, भाई अभय सिंह चौटाला जी का, बीडी डालिया जी का, हमारे
जिला अध्यक्ष यशवीर राणा जी का सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे पार्टी को समर्पित पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को इतने ऊंचे ओहदे पर बिठाया। पार्टी को पुनः धन्यवाद और भाई हर फूल सिंह जी को हार्दिक बधाई। इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद, ताऊ देवीलाल अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, भाई एम एस सिंह चौटाला जिंदाबाद। आज हमने जिला कार्यकारिणी का यहां बैठक की और इसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, भाई अभय सिंह चौटाला जी ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय डालिया जी ने विचार विमर्श करके एक दुधारू कार्यकर्ता जो सच्चा और निष्ठा का पक्का है उसको आज प्रदेश की प्रदेश का किसान सेल का प्रधान बनाया गया है। मैं पार्टी की तरफ से, पूरे जिले करनाल की तरफ से ओम प्रकाश चौटाला जी का, भाई अभय सिंह चौटाला जी का और प्रदेश अध्यक्ष का धन्यवाद करूँगा कि ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता को मेरा साथी बनाया। मैं उनकी कार्य प्रणाली पर आप देखो जिस प्रकार हमारा संगठन है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का संगठन आज भी विकट परिस्थितियों में देखो किस प्रकार खड़ा है और आने वाला शायद में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का होगा, भाई अभय सिंह चौटाला का होगा और ये कार्यकर्ता लाएंगे। आपने जो हमारी ये बात पहुँचाने के लिए यहाँ पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।